नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में, और मैं आपका दोस्त अंशुल जैन। आज इस वीडियो के अंदर बायोमास पैलेट के बारे में एक नई जानकारी आपके पास लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों, हम आज डिस्कस करेंगे टॉरीफाइड वर्सेस नॉन टॉरीफाइड बायोमास पैलेट के बारे में, यानी कि टॉरीफाइड बायोमास पैलेट क्या है और नॉन टॉरीफाइड बायोमास पैलेट जो हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इनकी मशीनरीज में क्या फ़र्क है, प्लांट में क्या इन्वेस्टमेंट है, जीसीबी में क्या डिफरेंस है और क्या इसके एंड यूजर्स होते हैं, इन सारे बिंदुओं पर हम मिस्टर पुलकित से बात करेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर। सर, एक डिबेट चल पड़ी है नेट के ऊपर, टॉरीफाइड वर्सेस नॉन टॉरीफाइड। संक्षिप्त में प्रकाश डालिए कि टॉरीफाइड पैलेट और नॉन टॉरीफाइड पैलेट में क्या फ़र्क है। सर, सबसे पहले तो सर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, ठीक है, ये तीन एलिमेंट्स हैं। टॉरीफाइड पैलेट के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मात्रा कम करते हैं और कार्बन कंटेंट बढ़ाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो ब्लैक कलर भी हो जाता है ना। वो जो जीसीबी प्रोवाइड करता है, वो हमारा नॉर्मल जो वुड पैलेट्स है, बायोमास पैलेट्स है, उससे लगभग लगभग डेढ़ गुना ज़्यादा होता है। इको फ्रेंडली तो है ही ये चीज़, कार्बन कंटेंट बढ़ गया तो जलने में और सहायक होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी कि पानी की मात्रा जब हमने कम कर दी, कार्बन की मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ गई, तो वो टॉरिफिकेशन का प्रोसेस हो गया, थर्मल प्रोसेस होता है। नॉन टॉरिफाइड कह लीजिए, वाइट कोल कह लीजिए, बायोमास कह लीजिए, वुड पैलेट कह लीजिए, ये सारी एक ही चीज़ होती है, ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो जैसे सर आपने बताया कि नॉन टॉरिफाइड की जीसीबी अगर शॉर्टेस्ट से बात करें तो 4500 के आसपास मैक्सिमम आ रही है, वही अगर टॉरिफाइड रहेगी तो 6500 के आसपास आ जाएगी, 6500 प्लस आएगी, यानी कि लगभग 2 से 2500 की जीसीबी का उसमें इंक्रीज हो जाएगा। सर, इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस जो हम नॉन टॉरिफाइड की देख रहे हैं वर्सेस टॉरिफाइड, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट कॉस्ट टॉरिफाइड वर्सेस नॉन टॉरिफाइड, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि इन सब में क्या फर्क है। सर, जो टॉरिफाइड पैलेट होगा ना, उसमें और नॉन टॉरिफाइड के अंदर जो मशीनरी का फर्क आएगा वो ड्राइंग का फर्क आएगा। इनिशियली कार्बनाइजिंग जो प्रोसेस होता है, कार्बनाइजेशन में एक बड़ा बॉयलर लगेगा, उसके अंदर पहले हम सीधा इसको बायोमास को या वुड को या वुड चंक्स को हम उसके अंदर डालेंगे। जब तक वो 35-40% बचेगा, बिल्कुल वो ब्लैक हो जाएगा, ऑलमोस्ट चारकोल की फॉर्म में आ जाएगा, तब तक हम उसको हीट करके उसका पानी निकाल देंगे। ये एक बड़ा बॉयलर इसके लिए लगाना पड़ता है। इक्विपमेंट में ये फ़र्क आता है नॉन टॉरीफाइड और टॉरीफाइड में। उसके बाद इसके लिए हैमरिंग चाहिए, सेम एज नॉन टॉरीफाइड। उसके अलावा इसके बाद मिक्सिंग चाहिए, जैसे हम नॉन टॉरीफाइड में कर रहे थे, डिपेंड्स हम करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज दैट इज़ ऑल्सो फाइन। उसके बाद जो पैलेट बनेगा वो अपनी नॉर्मल पैलेट मशीन में बन जाएगा, जो यू लोग कलर ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक कलर होने के बावजूद ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, इसमें आप कोकोनट से बना सकते हैं, बायोमास से बना सकते हैं, वुड से बना सकते हैं, वुड चारकोल, आप देख ही रहे हैं, हम जितने भी ये वाटर प्योरीफायर्स हैं, इन इंडस्ट्रीज से इतनी डिमांड आ रही है, एनटीपीसी वगैरह से बहुत डिमांड आ रही है कि भाई टॉरीफाइड पैलेट्स भी बनाओ, क्योंकि कोई नहीं बना रहा अभी, ऑलमोस्ट कोई नहीं बना रहा अभी, डिमांड इतनी है, अगर हम इसको बना के सप्लाई करना चाहें देन देयर इज़ नो एंड टू इट। नॉन टॉरीफाइड की भी डिमांड आपके सामने ही है कितनी है पैलेट्स की। टॉरीफिकेशन से क्या है, सीवी ज़्यादा मिल जाता है, तो जो ये गवर्नमेंट के एनटीपीसीज वगैरह हैं, इनको पावर प्लांट्स को जनरेशन ज़्यादा मिल जाती है, उनका आउटपुट बढ़ जाता है, कम वॉल्यूम में ज़्यादा आउटपुट उनको मिल जाएगा बिकॉज ऑफ जीसीबी। इस चक्कर में टॉरीफाई करना पैलेट को अपने आप में एक एक्सटेंसिव लाइन है, बट सिमिलर टू नॉन टॉरीफिकेशन वाला, सिमिलर, नॉट सेम, सिमिलर। सर, एक क्वेश्चन जो है कि क्या हर वो बायोमास जो अवेलेबल है उसको हम टॉरीफाइड कर सकते हैं? Yes. या ओनली ये सॉडस्ट पे एप्लीकेबल है? हर बायोमास को आप टॉरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, पैडी स्ट्रॉ कर लीजिए, उसका भी टॉरीफिकेशन होता है, आप मस्टर्ड कर लीजिए, आप कोकोनट शेल क्रश करके कर लीजिए, आप वुड सॉडस्ट कर लीजिए, एवरीथिंग कुड बी टॉरीफाइड। वो बस ये हो जाएगा कि वुड टॉरीफाइड पैलेट है। एक सर जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि टॉरीफाइड वर्सेस नॉन टॉरीफाइड सेलिंग प्राइस में कितना फर्क है लगभग? सर, नॉन टॉरीफाइड का करंटली जो मैं एनसीआर में रेट जानता हूँ वो है तकरीबन 19 से 20 रुपए। ओके, ठीक, ये रेट है होलसेल। रिटेल में कोई रेट नहीं है, रीजन बीइंग मान के चलिए हम जैसे जिनको वो बनाना है, फेस वॉश बनाना है, ठीक है, या जिनके पावर जनरेशन के लिए बॉयलर्स हैं बड़े, उनको अगर हम ये टॉरीफाइड पैलेट्स देते हैं तो 35 से 40 रुपए किलो भी बिकता है। ओके, ठीक है, और ये भी मैं वो बता रहा हूँ कि हम उन लोगों को दे रहे हैं, अगर वो भी प्रोडक्ट आप बना लो तो देर इज़ नो लिमिट टू इट।
बट होलसेल रेट की हम बात करें तो 20 रुपये किलो के हिसाब से टॉरीफाइड पैलेट बिकता है। उसको बनाने का कॉस्ट नॉन टॉरीफाइड पैलेट से भी 3-4 रुपये एक्स्ट्रा आता है। प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है ना, और बिकॉज भाई ऐसा है कि जो हमारा बायो पैलेट है उसके अंदर 30% 40% मॉइस्चर है, ठीक है, मान लीजिए रॉ मटेरियल में, उसको हम कम करके 10% पे ला रहे हैं, यानी कि हम 30% मॉइस्चर हटा रहे हैं। वेरैज यहाँ पे क्या रहेगा, हमें 70% मॉइस्चर हटाना है, 30% बचेगा खाली, तो जो वो कॉस्टिंग है वो इस वजह से ज़्यादा है। मशीनरी की प्रोडक्शन की कोई बहुत फ़र्क नहीं है कॉस्टिंग में, बट मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करने में जो कॉस्टिंग आती है उस वजह से इसका कॉस्ट ज़्यादा है। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन जो है, जो कि रियलिस्टिक क्वेश्चन है, कि हम जब बायोमास प्रोडक्ट को सेल करने जाते हैं, पैलेट को सेल करने जाते हैं, वो चाहे नॉन टेरिफाइड की बात कर रहा हूँ मैं, तो लोग कंपेयर कर लेते हैं भाई आपकी जी सी वी 4500 आ रही है सोडास की, और जबकि 3200-3500 जी सी वी का जो राइसेस का है वो हमको 9 रुपये में मिल रहा है और आपको हमको 14 रुपये मिल रहा है। ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर कि लोग जी सी वी ज़्यादा होते हुए भी कम जी सी वी का प्रोडक्ट सस्ते में खरीदने को रेडी हैं, वहाँ उस इंडस्ट्री के अंदर टॉरीफाइड प्रोडक्ट का क्या एग्जिस्टेंस है, इसके फायदे क्या होंगे, किसी अगर कोई आदमी अपने बर्नर पर इसको चला रहा है, बॉयलर में चला रहा है, तो उसको फायदे क्या होंगे और इसका एग्जिस्टेंस कैसे बैठेगा, यानी फ्यूचर कैसे बैठेगा, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए सर। देखिए सर, जी सी वी के हिसाब से रेट्स होते हैं, ये हर समझदार बंदा समझता है। अब किसी का काम अगर चल रहा है 3200 के सी वी के प्रोडक्ट से, तो वो उस पर स्टिक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वांटिटी उसकी ज़्यादा लगेगी। वहीं अगर 3200 की जगह वो 6400 जी सी वी का टॉरीफाइड पैलेट लेता है और वो उसको कॉस्ट मान लीजिए 18-19 रुपये पड़ती है और 3200 वाले की 10 रुपये पड़ती है, तो रेट्स में उसको ये फ़र्क आ गया कि 50 पैसे रुपये का उसको वैसे बचत हो गई। मेजर जो उसको बचत होगी, ऐश कंटेंट कम हो जाएगा, दूसरा लेबर उसको कम लगेगी, रीज़न बींग एक बैग अगर उसने टॉरीफाइड का डाला तो वो उसके 4 घंटे चल गया, वेरैज उसी 4 घंटे में जो ये 9-10 रुपये का वो माल लेगा उसको 2 से 2.5 बैग डालने हैं, लेबर इंटेंसिव, फिर उसका ऐश कंटेंट ज़्यादा है उसको क्लीन करने में। तो ये जो बिजनेसमैन है ना, वो चाहता है कि मैं प्रोडक्ट एक बार डालूं, मेरे हैजर्ड उसके अंदर कम हो, इको फ्रेंडली ज़्यादा हो, ऐश कंटेंट कम हो, ताकि उसकी मशीन भी जाम ना हो, लेबर इंटेंसिव भी काम ज़्यादा ना हो और तसल्ली से आराम से काम करे। कॉस्टिंग में कोई ऐसा नहीं है कि 10-10 रुपये का फ़र्क आ रहा है, नहीं, 50 पैसे रुपये। और वैसे भी सर आप देखो ना, सबसे सस्ता आज की डेट में जो फ्यूल है वो बायोफ्यूल है, उससे सस्ता ना गैस है ना इलेक्ट्रिसिटी है, डीजल पेट्रोल गैसोलीन ये तो हम भूल ही जाए। तो अगर 50 पैसे रुपये ऊपर नीचे बायोफ्यूल में ही अगर डिफरेंस है और वहाँ भी आपकी सिरदर्दियाँ बच रही हैं, तो गो फॉर ईदर टॉरीफाइड, या उससे भी बढ़िया है आप अगर नॉन टॉरीफाइड में जाते हैं तो उस पर जाएँ जिसका 4500 का जी सी वी आ रहा है, एटलीस्ट वहाँ भी आपका टाइम एंड मनी दोनों बचता है। दोस्तों ये है पुलकित जी, जिन्होंने कि टॉरीफाइड वर्सेस नॉन टॉरीफाइड सारे हमको डिफरेंसेस गिनाए, मशीनरीज में क्या डिफरेंस है, जो सर ने मेजर बताया कि टॉरीफाइड प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा को कम करके सी यानी कि कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है, और इसके लिए पूरे प्लांट जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसके साथ में एक एक्स्ट्रा बॉयलर लगता है, जहाँ पर कि हम लोग जो भी हमारा बायोमास है उसको एक चारकोल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसका कार्बन कंटेंट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद सेम प्रोसेस यानी हैमरिंग सेम रहेगा, ड्राइंग सेम रहेगा, मिक्सिंग सेम रहेगा और पैलेटाइजिंग सेम रहेगा, सारा प्रोसेस सेम रहेगा, बशर्ते इसमें थोड़ा सा प्लांट की कॉस्ट जरूर ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन इससे आप एक कम जी सी वी के प्रोडक्ट के सामने ज़्यादा जी सी वी का प्रोडक्ट देख पाएंगे, एक लेबर इंसेंटिव जॉब जो आपका वो कम हो जाएगा, क्योंकि जहाँ एक बैग आपका टॉरीफाइड का डल रहा है, नॉन टॉरीफाइड का डल रहा है, वहाँ पर टॉरीफाइड का लगभग लगभग आपका जो है आधा ही बैग रह जाएगा, और सिमिलरली जब हैंडलिंग कम हो जाएगी तो आपकी बचत बढ़ेगी, आपकी सरदर्दी कम होगी। तो इस तरह से टॉरीफाइड वर्सेस नॉन टॉरीफाइड में टॉरीफाइड प्रोडक्ट जो है नॉन टॉरीफाइड से एक कदम आगे ही है, फ्यूचर इसी का है। आप लोग भी अगर किसी भी तरह से प्लांट को प्लान कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि अगर आप अभी नॉन टॉरीफाइड प्लांट का प्लान कर रहे हैं तो एक ऐसी जगह छोड़ के रखिए ताकि हम लोग इसको फर्दर फ्यूचर में टॉरीफाइड कर पाएँ, क्योंकि जहाँ से मैं देखता हूँ ये जो हमारा अभी करंट सिनेरियो है जहाँ पर हम लोग कोल से बायोमास में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो सिमिलरली आगे आने वाले सालों में कुछ 1-2 साल के बाद में आप बायोफ्यूल जो कि नॉन टॉरीफाइड वर्सेस टॉरीफाइड की जंग देख सकते हैं। तो उस जंग में शामिल होने के लिए आपके पास कोई शेड बढ़ाने की क्षमता नहीं होगी, इसलिए अभी से जगह रख के चलिए और ये मान के चलिए कि हमको फ्यूचर में टॉरीफाइड पर आना ही है। तो दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने वो मित्र जो कि इस बिजनेस में आना चाहते हैं उनसे शेयर कीजिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई
कोई क्वेश्चन चल रहा है, कोई विचार है, तो आप मेरे नंबर 7073642737 पर आप व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, और हमारी कोई भी फैक्ट्री कोटा, पुणे, बनारस, हैदराबाद, गुवाहाटी, इंदौर, वहाँ पर आप पहुँचिए, अपनी सारी शंकाओं का समाधान प्राप्त कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद पीवीजी। स्टे कनेक्टेड।